हेलो गाइस, वेलकम टू टारगेट ट्रेनिंग। आज कुछ क्वेश्चन लाया हूँ जो आपके इंटीग्रेशन पर बेस्ड है। आपको बताना चाहूँगा कि मैंने जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बता दिया है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स भी बता दिया हमने, कुछ इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी बता दिया है। अब हमारा जो एक रह जाता है वो रह जाता है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसमें अगर देखा जाए तो पार्शियल फ्रैक्शन मेथड के काफ़ी क्वेश्चन आपको करना आता है। इसमें एक दो टाइप है, उसके बाद मैं सिर्फ शॉर्ट ट्रिक्स पे आ जाऊंगा कि जहां आपको लगता है कि फंस सकते हो उसके लिए, तो इसमें मेथड कई भी हो सकते हैं। देखिए ऐसा भी हो सकता है अगर कभी ऐसा लिखा हो, पी एक्स प्लस क्यू बाय अपर एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी बी एक्स, ऐसा होगा तो आपको भी पता, डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हैं, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी, ऐसा हो सकता है। दूसरा भी टाइप आपका इसमें हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय आपका हो सकता है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी का स्क्वायर डी एक्स, ऐसा दिया हो तो जो ये लिखा हुआ ऐसा ही रहेगा आपका, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस बी बाय एक्स माइनस बी और प्लस सी बाय, एक बार ये रिपीट हो जाएगा, x माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर ये पावर n होती तो ऐसे बढ़ते बढ़ते n तक चला जाता। तीसरा टाइप है और ऐसा होता है, इंटीग्रल ऑफ पी एक्स प्लस क्यू डिवाइडेड बाय x माइनस a और कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जो a x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में हो डी एक्स। अगर ऐसा होता है तो ये क्या बन जाएगा, ए बाय एक्स माइनस ए प्लस यहाँ हो जाएगा बी एक्स प्लस सी डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसे करके सॉल्व कर लीजिए। ये तो बेसिक मेथड है जो आपने पढ़े थे। अब इसके बेस पे हम देखते हैं कुछ अच्छे क्वेश्चन अगर हम बनाना चाहें तो क्या बना सकते हैं और क्या ट्रिक्स होती है, क्योंकि ये सब आप पढ़े हुए हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ 3x प्लस 2 डिवाइडेड बाय आपको है एक्स एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 dx, ये है। अब ये है तो आप नॉर्मली क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं इसको, 3x प्लस 2 बाय x प्लस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a बाय x प्लस 1 प्लस b बाय x माइनस 2 प्लस c बाय x माइनस 3। अब इसको सॉल्व करने की बात आई, तो सॉल्व करने के आप बहुत तरीके हैं, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो फिर कंपेयर करते हो उनके कोएफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ तरीका क्या होगा, जब हमें a निकालना है इसका मतलब है हमें क्या रखना पड़ेगा, फॉर a नीचे फैक्टर क्या है ये, तो अगर हम x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं इम्प्लाइज दैट x इज इक्वल टू माइनस 1, तो a के लिए हम क्या करेंगे x की जगह पे इधर क्या रख देंगे माइनस 1, इसको छोड़ के, क्यों, क्योंकि ये उसका पार्ट है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 इंटू माइनस 1 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, यहाँ माइनस 1 रखेंगे तो माइनस 1 माइनस 2 और माइनस 1 और माइनस 3, ये कितना बच जाएगा, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय माइनस 3 इंटू माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 1 बाय
स्क्वायर, ए आ गया माइनस वन बाई स्क्वायर। अब बी की बात करते हैं, जब बी के लिए होगा तो क्या होगा, एक्स इज इक्वल टू क्या रखेंगे यहाँ के लिए, यहाँ के लिए रखेंगे एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, इम्प्लाइज दैट आ जाएगा एक्स इज इक्वल टू टू। अब इसको हटा देंगे और बाकी सब में रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, बी इज इक्वल टू थ्री इंटू टू प्लस टू डिवाइडेड बाय, जब यहाँ टू रखेंगे तो थ्री हो जाएगा और यहाँ टू रखेंगे तो माइनस वन हो जाएगा, माइनस वन। ये कितना आया, सिक्स प्लस टू एट बाय, कितना है माइनस थ्री, माइनस एट बाय थ्री, ये आ गया। अब सी की बात करते हैं, सी के लिए क्या रखेंगे, फोर सी, यहाँ से ये आ गया माइनस एट बाय थ्री। सी के लिए रखेंगे एक्स इज इक्वल टू थ्री, रख देते हैं इसको छोड़ के, क्या आएगा थ्री इंटू थ्री प्लस टू डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन और थ्री माइनस टू, ये नाइन, नाइन प्लस टू एलेवन, और यहाँ से फोर इंटू वन फोर, एलेवन बाय फोर, ये आ गया आपका अलेवन बाय फोर। ये है आपका सॉल्व मेथड, जो आपको लंबा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप डायरेक्ट जो है सारी वैल्यूज निकाल चुके हैं। जब आपकी सारी वैल्यूज आ जाती हैं तो अब आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे इसको लिख सकते हैं, ये क्या हो जाएगा, इक्वल टू माइनस वन बाय ट्वेल्व इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स प्लस वन और माइनस एट बाय थ्री इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस टू और प्लस इलेवन बाय फोर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स माइनस थ्री। ये हो गया, ये सिंपल तरीका था आपका सॉल्व करने का। अब आपको आपको भी पता है अगर कहीं ऐसा लिखा होता इंटीग्रल ऑफ डी एक्स बाय एक्स पे सिंपली एल एन एक्स हो जाता है, तो यहाँ से हो गया माइनस वन बाय ट्वेल्व एल एन एक्स प्लस वन माइनस एट बाय थ्री एल एन एक्स माइनस टू और प्लस एलेवन बाय फोर एल एन एक्स माइनस थ्री प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो ये हमेशा ध्यान रखिए, अगर ये तरीका आपको आता है तो आपको सॉल्व करना आसान हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन टू। क्वेश्चन टू है इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर e पावर टू साइन एक्स डी एक्स, ये दिया हुआ है। अब इसको जो है जैसा यहाँ लिखा एक्स स्क्वायर ई स्क्वायर साइन एक्स, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ वन प्लस एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वन माइनस एक्स ई पावर साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं, और डी एक्स। अब क्या करेंगे, इसको कर देंगे पुट एक्स ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट इंटीग्रल ऑफ सेकंड ई पावर, इसको फर्स्ट लेते हैं, इसका इंटीग्रल ले लेते हैं। अभी फिलहाल हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो पहला एक्स और डिफरेंशियल ऑफ दिस ई पावर साइन एक्स इंटू डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स प्लस, अब इसका डिफरेंशियल वन और इसका ई पावर साइन एक्स डी एक्स प्लस इक्वल टू डी टी, ई पावर साइन एक्स कॉमन ले लेते हैं, यह हो जाएगा वन प्लस एक्स कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। इसको हटा देते हैं और इसको इसके नीचे आ देते हैं ई पावर साइन एक्स। अब यहाँ से देखिए एक्स ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू टी है, तो ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टी बाय एक्स, यहाँ से हो जाएगा आपका एक्स डी टी बाय टी। रख देते हैं इसकी जगह पर इंटीग्रल ऑफ एक्स डी टी बाय टी इंटू ये वाला एक्स लेकिन पे वन माइनस टी स्क्वायर, ये हो गया, ये कट गया, ये बन गया इंटीग्रल ऑफ डी टी डिवाइडेड बाय
टी, वन माइनस टी और वन प्लस टी, ये बन गया। जब ये बन जाता है तो आपको पता है कि इसको क्या करेंगे हम, इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ए डी टी बाय टी प्लस इंटीग्रल ऑफ बी डी टी बाय वन माइनस टी प्लस इंटीग्रल ऑफ सी डी टी बाय वन प्लस टी, ये हो गया। जैसा हमने तरीका बताया था ए निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ टी जीरो रख देंगे, तो जब इसके लिए रखते हैं तो ए कितना आ जाएगा, पुट टी इक्वल टू जीरो, तो ए कितना हो जाएगा यहाँ से, ये तो हट गया, इसके अलावा कितना हुआ वन बाय, यहाँ से जीरो हुआ तो वन हुआ और यहाँ भी वन हुआ, वन इंटू वन, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई वन। बी के लिए हम क्या करेंगे, पुट टी इक्वल टू वन रखते हैं, तो हमारा बी कितना आएगा, बी इक्वल टू, अब ये हटा देंगे, ये गायब कर देंगे, टी को वन रख रहे हैं तो वन बाय वन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा वन प्लस वन टू इंटू टू, तो बी आ गया वन बाय टू। अब सी की बात करते हैं, इसलिए टी इक्वल टू क्या रखेंगे, माइनस वन, ये हटा देंगे, तो यहाँ से क्या आएगा सी इक्वल टू वन बाय यहाँ माइनस वन इंटू, इसमें जब माइनस रखेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये हो गया माइनस वन बाय टू, तो इसका मतलब ए बी सी तीनों के आंसर हमें मिल गए उसी तरीके से जिस तरीके से हमने पहले किया था। तो यह है माइनस वन बाई टू, ये है प्लस वन बाई टू, तो यहाँ हो गया माइनस वन बाई टू, यहाँ प्लस वन बाई टू और इसका वन है, तो इसको ऐसे रख देते हैं। अब ये सिंपली क्या हो जाएगा, एल एन टी प्लस वन बाई टू एल एन, अब यहाँ भी माइनस में है तो आंसर फिर यहाँ माइनस हो जाएगा, एल एन वन माइनस टी और माइनस वन बाय टू एल एन वन प्लस टी, ये हो गया। जब ये आ जाता है टी कितना दिया हुआ है, यहाँ से देख लीजिए टी इक्वल टू क्या है एक्स की और ऐसी भरे हुए थे, पुट द वैल्यू ऑफ टी रख के सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करने के ट्रिक्स हैं जो आप आराम से कर सकते हैं, एग्जाम्पल्स कुछ और देते हैं इसी तरह से है जो आप खुद करेंगे। में है आपका इंटीग्रल ऑफ एक्स प्लस वन डिवाइडेड बाय एक्स वन प्लस एक्स की पावर एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पे भी कुछ नहीं है, पुराने वाले जैसा है, इसको आप टी मान लोगे, पुट एक्स की पावर एक्स इज इक्वल टू टी, देन ये हो जाएगा। जब ये आप कर लेते हैं तो आपको एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताता हूँ, ये काफी इम्पोर्टेंट है। ये एडवांस का है, इंटीग्रल ऑफ है आपका एक्स क्यूब प्लस टू डिवाइडेड बाय आपका एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू और क्यूब डी, ऐसा है। इसमें आप जनरली जो लिखते हैं तरीका आपका होता है, आप क्या लिखते हैं एक्स क्यूब प्लस टू डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू का क्यूब, ये बराबर क्या हो जाएगा ए बाय एक्स माइनस वन प्लस बी बाय एक्स माइनस टू प्लस सी बाय एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस डी बाय एक्स माइनस टू का क्यूब, ऐसा बनता है। अब इनमें क्या है, ये सारी चीज़ें सेम है, इसलिए हम इसकी और इसकी वैल्यू तो उस तरीके से जैसे हमने पहले किया था निकाल लेंगे, बाकी उसके बाद तरीका चेंज होगा। तो ए निकाल देते हैं, पुट एक्स इक्वल टू वन, और ए कितना हो जाएगा, वन के लिए ये फैक्टर काम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना आप, तो यहाँ हो जाएगा वन का क्यूब वन, वन प्लस टू बाय वन माइनस टू, तो माइनस वन का क्यूब माइनस वन हो जाएगा, आ गया माइनस थ्री, ये माइनस थ्री आ गया। अब इसकी बात करते हैं हम डी की, तो डी के लिए क्या करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू टू फॉर डी, तो डी के लिए जब टू पुट करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा, तो टू
का क्यूब 8 प्लस 2 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, सिंपली 10 आ जाएगा, ये आपका 10 आ गया। ये दो वैल्यूज आपकी निकल जाती है, एक आपकी जब ये दोनों वैल्यू निकल जाती है, आगे देखते हैं आगे क्या करना है। आपके पास ए और ये आ चुकी है, अब क्या करेंगे इसको निकालने के लिए, क्या है अगर हम यहाँ पावर 3 है, यहाँ 3 और एक 4 है, इसका मतलब है अगर x से डिवाइड कर रहे हैं तो 1 बाई एक्स आएगा, इसका मतलब अगर x को हम इन्फाइनाइट कहीं रखेंगे तो वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी, 0। तो अगर इसको हम x माइनस 2 सबको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये जो है x से फ्री हो जाएगा, इसका मतलब b निकाल सकते हैं। तो कुछ x को ऐसे लिख सकते हैं, फॉर b ऐसे लिख देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू इन्फाइनाइट x क्यूब प्लस 2 डिवाइडेड बाय, इसमें क्या करते हैं पूरे में x माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ सिर्फ रह जाएगा x माइनस 1 और x माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू a, a की वैल्यू आपके पास कितनी है माइनस 3, और यहाँ हो जाएगा x माइनस 2 बाय x माइनस 1 प्लस b ऐसे ही रह जाएगा, प्लस c जो होगा उसमें एक पावर कम हो जाएगी, तो ये बचेगा x माइनस 2 और प्लस d की वैल्यू कितनी है 10 है। अब उसके साथ में हमने क्या लगाया हुआ है 10 के साथ में, तो यहाँ रह जाएगा मल्टीप्लाई किया, यहाँ रह जाएगा x माइनस 2 का स्क्वायर, ऐसा रह जाएगा क्योंकि हमने सब में क्या है x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, सबकी पावर कम हो गई। अब जब ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, अब इसको ध्यान से देखिए, अगर हम क्या करते हैं मल्टी एक्स टेंड्स टू इन्फाइनाइट, यहाँ से क्यूब कॉमन ले लेते हैं, 1 प्लस 2 बाय एक्स क्यूब यहाँ रह गया, यहाँ से x, यहाँ से स्क्वायर एक्स क्यूब, 1 माइनस 1 बाय एक्स ये हो गया, और यहाँ से हो गया 1 माइनस 2 बाय एक्स का स्क्वायर, ये रह गया इज इक्वल टू, यहाँ से यही करते हैं माइनस 3, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय एक्स, यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 1 बाय एक्स प्लस बी प्लस सी, और यहाँ अगर हम x लिख देते हैं, x कॉमन लेते हैं तो 1 माइनस 2 बाय एक्स हो जाएगा, और प्लस 10 बाय एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 बाय एक्स का स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखने वाली चीज़ है कि ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, 0, ये भी 0, ये भी 0, यहाँ से ये कट ही गया है, तो यहाँ कितना बचा 1 बाय 1 इंटू 1 इज इक्वल टू, यहाँ से कितना आ गया माइनस 3 और प्लस बी, और यहाँ से सब चीज़ें 0 आएंगी, ये कैसे होगा, ये 1 बाय एक्स है, 1 बाय एक्स 0 हो गया इंटू दिस 0, तो प्लस 0 और यहाँ से कोई हुआ प्लस 0, तो यहाँ से क्या आ गया बी इज इक्वल टू 4 आ गया, बी की वैल्यू आपकी क्या आ गई 4, बी 4 आ जाती है। जब बी 4 आ जाती है तब हमारा लास्ट काम क्या बचता है, सी निकालने के लिए हम क्या कर देते हैं, इस पूरे में फॉर सी पुट एक्स इज इक्वल टू 0 इन मेन इक्वेशन, जो ये बना हुआ है मेन इक्वेशन जो बना हुआ है इसमें रख देते हैं, ये इसी में रख देते हैं, तो क्या हो जाएगा 2 बाय माइनस 1 और माइनस 2 का क्यूब इज इक्वल टू माइनस 3 ए का, और नीचे 0 है कितना हो जाएगा माइनस 1, प्लस बी का कितना है 4 बाय माइनस 2 प्लस सी बाय माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 10 बाय माइनस 2 का क्यूब, यहाँ से कितना बना, यहाँ से माइनस आएगा और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 2 बाय 8 इज इक्वल टू यहाँ पे आपका हो जाएगा 3 और माइनस यहाँ से कितना आएगा 2 और प्लस सी बाय 4 और माइनस आपका 10 बाय 8, तो यहाँ से आया 1 बाय 4 इज इक्वल टू 1 प्लस सी बाय 4 और ये माइनस आपका हो गया 5 बाय 4, तो इसको उसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब इसको सॉल्व करेंगे इज इक्वल टू सी बाय 4 और माइनस आपका 1 बाय 4 हो गया,
इसको उधर भेज देते हैं, तो सी बाय फोर इज इक्वल टू वन बाय फोर प्लस वन बाय फोर इज इक्वल टू टू बाय फोर, इम्प्लाइज सी इज इक्वल टू कितना आ गया, टू, सी आपका टू आ गया। तो आप बहुत सारे कैलकुलेशन से बच गए जब आपका सी निकल गया, तो उसके बाद आपने क्या किया, बाकी आपको करना आता है। अब आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस थ्री इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस वन प्लस फोर इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस टू और प्लस टू इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एच माइनस टू का होल स्क्वायर और प्लस टेन इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस टू का क्यूब। इसको आपको सॉल्व करना आता है, ये एज ए टी ट्रीट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थ्री एल एन एक्स माइनस वन प्लस फोर एल एन एक्स माइनस टू प्लस टू, अब इसकी पावर माइनस में चली जाएगी तो माइनस टू प्लस वन बाय माइनस वन, तो ये आपका माइनस में आ जाएगा, माइनस और टू बाय एक्स माइनस टू हो जाएगा प्लस टेन। अब यहाँ देखते हैं माइनस थ्री तो माइनस टू बाय माइनस टू, तो माइनस टू होगा तो यहाँ पे टू से जब डिवाइड करेंगे तो ये फाइव हो जाएगा, माइनस फाइव और डिवाइडेड बाय आपका एक्स माइनस टू का स्क्वायर प्लस सी, ये आपके आंसर होंगे। तो इस तरह के कभी क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या करना है, जो डिफरेंट है एक्स इज इक्वल टू वन रखे इसकी वैल्यू निकाल लेंगे और जो इस सेम में सिमिलर में से जो हाईएस्ट पावर उसको निकाल देंगे, उसको निकालने के बाद इनमें किसी में से देखते हैं जिस पे अगर उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसके बाद भी क्या है कि अगर एक्स को इनफाइनाइट रखा जाए तो वन बाय एक्स आए, तो इसलिए हमने इसको कर दिया। जब ये निकल जाता है सारी वैल्यू रखने के बाद एक्स इज इक्वल टू जीरो रखकर इसको निकाल दो, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब इस पे कुछ और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं जो आप खुद कर सकते हैं, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ, इसी टाइप का है जो बगल में है, इंटीग्रल ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर फोर प्लस एक्स क्यूब, ये है जो आप सिंपल फॉर्म में ला सकते हैं, डी एक्स डिवाइडेड बाई आपका एक्स क्यूब और एक्स प्लस वन, ये आ गया जो आपका ए बाय एक्स प्लस वन प्लस बी बाय एक्स प्लस सी बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी बाय एक्स क्यूब इसके फॉर्म में आ जाएगा। ऐसे फॉर्म को आपको सॉल्व करना आता है, जो डिफरेंट है डायरेक्ट निकाल देंगे, हाईएस्ट पावर निकाल देंगे, बाकी के लिए आप क्या करेंगे एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, ये गायब हो जाएगा, बाकी फॉर्म में आएगा, सॉल्व कर सकते हैं, नहीं तो ये कैलकुलेशन लेंदी नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको देखो बताता हूँ, अगर यहाँ क्यूब लानी है तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है, अब यहाँ से शुरू करते हैं, ये तो इसका तो क्लियर है कि यहाँ एक्स इज इक्वल टू क्या बनेगा, माइनस वन बनेगा, क्योंकि ये रखेंगे माइनस वन इसका आंसर आएगा, ए इज इक्वल टू माइनस वन आ जाएगा। अब इसकी इसकी और इसकी बात करते हैं, क्यूब लाने के लिए इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर, तब ये क्यूब बनेगा, क्यूब लाने के लिए यहाँ एक्स से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ कॉन्स्टेंट है, तो अब इस हिसाब से हम देखते हैं इसका मतलब है अगर एक्स इज इक्वल टू माइनस वन रखते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, प्लस वन, यहाँ माइनस वन रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस आएगी, और यहाँ जो भी है कॉन्स्टेंट वन आएगा, इसका मतलब ए इज इक्वल टू माइनस वन और बी इज इक्वल टू आपका क्या हो गया, वन और सी इज इक्वल टू माइनस वन और डी इज इक्वल टू वन, ये आपका आंसर आ गया डायरेक्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं, अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये ट्रिक है, अगर आप इससे चाहें तो कर सकते हैं, आराम से आपका हो सकता है। ये मुझसे क्वेश्चन जो आपका पार्शियल फ्रैक्शन पे था, अब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन खत्म हो चुका है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टीज को लेके आऊँगा। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे।